एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो देखिए, हर कोई इंसान चाहता है ग्लोइंग स्किन। लड़कियां छोड़ो, आजकल तो लड़के भी चाहते हैं कि उनकी स्किन ग्लो करे, क्योंकि एक तरह से हमारा फर्स्ट रिफ्लेक्शन, हमारी फर्स्ट इंप्रेशन होता है किसी के ऊपर। बहुत सारे लोग पार्लर में पैसे खर्च करते हैं और बहुत कुछ करते हैं, पर इस वीडियो में मैं आपके साथ जो एक चीज़ शेयर करने वाली हूँ, ये एज ओल्ड रेमेडी है जो हमारे इंडिया में हम सदियों से करते आ रहे हैं और ये पहले भी हुआ करती थी। अब केमिकल्स आ गए हैं, उस वक्त तो केमिकल्स नहीं होते थे। तो इस वीडियो में मैं आपके साथ वही एक चीज़ डिस्कस करने वाली हूँ, पर वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपको करना मेरे चैनल को सब्सक्राइब और उसके आगे एक बेल आइकन है जिसको आपको क्लिक करना है, ताकि जब भी मैं कभी कोई वीडियो डालूँ आपको इमीडिएटली नोटिफिकेशन आ जाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो के साथ। इस वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कस करने वाली हूँ जो चीज़, वो है एज ओल्ड फेस मास्क एक, ठीक है, जो आपकी स्किन को ग्लोइंग बनाता है, आपकी स्किन को बहुत ज़्यादा क्लीन करता है और हेल्दी बनाता है। और सबसे अच्छी बात इसमें यह है कि इसमें पूरे नेचुरल इंग्रेडिएंट्स है, कुछ भी सिंथेटिक या केमिकली नहीं डाला गया है इसमें, और इसका असर आपको पहली बार में ही। मैं आपके साथ डिस्कस करने वाली हूँ जो चीज़ यहाँ पर, वो है ये उबटन। आप किसी भी कंपनी का ले सकते हैं, ये अगेन कोई पेड प्रमोशन नहीं है, आप कोई भी उबटन ट्राई कर सकते हैं। मैंने पीछे पर्पल पे सेल लगी थी तो मैंने एल्प्स गुडनेस का उबटन मंगवाया था। ये उबटन पाउडर है ये, बेसिकली ये मैंने मंगवाया था और मैं आपको बताऊंगी इसके बारे में। 100% नेचुरल है और आप इसको डेली भी लगा सकते हैं। नहीं तो हम सोचते हैं कि इसको डेली लगाना है, कब लगाना है, आप इसको डेली भी ट्राई कर सकते हो, डेली भी ट्राई कर सकते हो। एज डिफाइंग प्रॉपर्टीज़ होती हैं, एक्ने जिन लोगों को हो रही है उसके लिए बहुत हेल्पफुल है ये, और पोर्स टाइट करता है स्किन को, फिर मोर यूथफुल लुक देता है ये। 100% ऑर्गेनिक है और नेचुरल है, और इसमें कोई पेस्टिसाइड या कोई भी तरह का प्रिजर्वेटिव नहीं है, और ये ऑल स्किन टाइप्स के लिए बना हुआ है, आप यूज़ कर सकते हैं इसको। अगेन ये कोई पेड प्रमोशन नहीं है, आप किसी भी ब्रांड का कोई भी उबटन ट्राई करें, ठीक है। तो ये मैंने मंगवाया था, अभी पर्पल से पीछे ऑफ लगा था, काफ़ी चीज़ें मैंने मंगवाई थी, मैंने अपना हॉल वीडियो भी शेयर किया है आपके साथ, तो मुझे रिक्वेस्ट आई थी तभी मैंने ये आपके साथ शेयर कर रही हूँ। तो आपको करना कुछ नहीं है, सब कुछ पड़ा है इसमें, बस आपको थोड़ा सा उबटन पाउडर लेना है और उसको पानी में डालकर आपको पेस्ट बनाना है। पर मैं ये बोलूँगी कि पानी नहीं, मिल्क में बनाएं आप, क्योंकि उससे क्या होता है मिल्क भी बहुत अच्छा है हमारी स्किन के लिए, और मिल्क की पूरी क्वालिटीज़ जो है, प्रॉपर्टीज़ हमें मिलती हैं। तो आप इसमें एसेंशियल ऑयल्स भी ऐड कर सकते हैं, जो उन्होंने बताया है, जो लोग बादाम का तेल या कुछ भी ऐड करना चाहते हैं, पर मैं यही बोलूँगी कि रहने दो, अभी मॉनसून या गर्मी वर्मी में नहीं करना चाहिए, इस विंटर्स में यू कैन ट्राई दीज ऑयल्स। तो करना क्या है, आपको पेस्ट बनाना है और उसको स्किन पे अप्लाई करना है फिंगर्स के साथ, या ब्रश आप ले सकते हैं, 15 से 20 मिनट रखें एंड रिंस विद वाटर, पानी के साथ धो दें एंड ड्राई करें फेस को। और कुछ पाउडर जो हैं इसमें, उसने बोला है कि ये स्टेन करते हैं, तो आप ग्लोव्स लगा लें और या पुराने कपड़े कोई पहनकर उस वो यूज़ करें। और इसमें कुछ कॉशन भी लिखा है, वो ये कि कुछ नेचुरल इंग्रेडिएंट जो हैं लोगों को इरिटेट करते हैं, जैसे लेमन लोग बोलते हैं हमें सूट नहीं करता, तो एक पैच टेस्ट करना ज़रूरी है। आप पैच टेस्ट कर लें यहाँ पर ही अपनी टांग के ऊपर लगा कर, पेस्ट बनाकर थोड़ा सा, अगर आपको सूट कर रहा है देन गो फॉर इट। एंड और इसमें ये लिखा है एक्सटर्नल यूज़ के लिए, और इंग्रेडिएंट्स मेंशन है इसमें, ग्राम फ्लोर है इसमें, टर्मरिक है, वीट फ्लोर है, कैम्फर है एंड सैंडलवुड है। तो आप इसमें एसेंशियल ऑयल डालना चाहें तो डाल सकते हैं, दैट्स अप टू यू। तो ये था मेरा रिव्यू उबटन का, अगर आपको अच्छा लगा मुझे ज़रूर बताना। एंड आप लोग अभी घर पर हैं, हम लोग लॉकडाउन पे, तो आप ट्राई कर सकते हैं ये, एंड डेफिनेटली आपको फ़र्क दिखेगा, एंड मुझे भी फ़र्क दिखा है, इसलिए मैं आपको बोल रही हूँ उबटन के साथ। एंड मैं तो ये वाला फिनिश होने वाला मेरा, मैं और मंगवाऊंगी, अभी मंगवाया मैंने और मैं डेली लगाती हूँ उसको, तो ये मेरा फिनिश होने वाला है, मैं और मंगाऊंगी। एंड अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। एंड कोई अगर आपकी रिक्वेस्ट है कुछ है तो मुझे कमेंट में बता दें। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय ऑल एंड स्टे कनेक्टेड।